दस्तक में आज बात अविश्वास काल और तीसरे कार्यकाल के बीच भारत की सियासत की करनी जरूरी है, क्योंकि विपक्ष अपना गठबंधन इंडिया बना चुका है, विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला चुका है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री ने तीसरे टर्म की बात कही है। प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर पहले कहा है कि तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगा। पीएम मोदी के इस विश्वास और विपक्ष के अविश्वास के बीच सबसे पहले बात उस अविश्वास प्रस्ताव की, जिसका गिरना ढहना बिखरना तय है, लेकिन तय यह नहीं कि जिस मणिपुर के मुद्दे पर अविश्वास की राजनीति दिल्ली में होने लगी है, क्या उससे मणिपुर का विश्वास लौटेगा। कईयों के मन में प्रश्न है कि अविश्वास प्रस्ताव आया क्यों, न संख्या है, सदन में बहुमत है, और फिर भी सदन में इस प्रस्ताव को लाया क्यों। 2018 का सवाल फिर 2023 में जस का तस आ खड़ा हुआ। न माजी, न रबर, न नकमा, न हक में हवाएं, है कश्ती भी जर्जर, ये कैसा सफर है। राजनीति की इत्तु भर भी समझ रखने वाला भी जानता है कि एनडीए यानी नरेंद्र मोदी के पास 329 सांसद हैं, विपक्षी इंडिया के पास लोकसभा में 142 का संख्या बल है। अविश्वास प्रस्ताव पर जब बहस होगी तो लगभग तय है कि 187 वोट से नरेंद्र मोदी के खिलाफ लाया गया विपक्षी दांव मुंह के बल गिर जाएगा। न यहाँ कोई उठा सकता है, न बिठा सकता है, 125 करोड़ देशवासी बिठा सकते हैं, 125 करोड़ देशवासी उठा सकते हैं। 2019 में लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के यज्ञ में 22 करोड़ 90 लाख वोटों की ध्वनि से नरेंद्र मोदी की जीत तय हुई। जहां तय है कि अविश्वास प्रस्ताव भी नरेंद्र मोदी की सरकार को इंच मात्र खतरा नहीं दिखा सकता, तब ध्यान से आपको दिल्ली में चलते विश्वास और अविश्वास की लड़ाई के बीच खड़े मणिपुर को देखना है। एक तरफ नरेंद्र मोदी का विश्वास, दूसरी तरफ विपक्ष का मोदी पर अविश्वास। विश्वास अविश्वास को लेकर दिल्ली में चलता ये सियासी द्वंद क्या मणिपुर में फैले अविश्वास को मिटा सकता है? अगर हाँ तो बहुत अच्छा है, क्योंकि विश्वास से शुरू हुई कहानी में ही दो समुदायों के बीच फैले अविश्वास ने आज ऐसी सैकड़ों हजारों बेटियों को रुला रखा है। कुकी समुदाय से आने वाली 27 साल की नगोइरी चोंग है ये। मैतेई युवक जतिन सिंह से 6 साल पहले शादी की। विश्वास ऐसा होता है जहां कुकी और मैतेई के बीच प्रेम विवाह के बाद वंश बढ़ा, लेकिन फिर आता है अविश्वास। 5 मई को हिंसा के बाद मैतेई पति के साथ कुकी पत्नी अपने बच्चे को लेकर रिलीफ कैंप भागी, वो कैंप जो मैतेई लोगों का था। वहां इनका आधार कार्ड चेक किया गया। कुकी बताकर 27 साल की बेटी को इनके पति और बच्चों से अलग कर दिया गया। उन लोगों ने हमारे जब आधार देखे हैं, उसने उन लोगों ने कहा कि इस आधार में तुम्हारा नाम कुकी का नाम है, मेटे का नाम नहीं है, इसलिए हमारे साथ नहीं रह सकते। उन लोगों ने जब हमको कहा कि हम मेटे के साथ नहीं रह सकते, हम कुकी हैं, इसलिए हम छोड़ के आ गए। क्या विश्वास के आधार पर गर्भ में 8 महीने के बच्चे को लेकर अकेली छोड़ी गई नगोइरी चांग को विश्वास की जमीन पर वापस इनके पति के साथ मिलाया जा सकता है? क्या दिल्ली में मणिपुर के नाम पर होने वाली अविश्वास प्रस्ताव की राजनीति ये कर सकती है? अगर नहीं तो क्यों ना ये माने कि अविश्वास प्रस्ताव के नाम पर दोनों तरफ से सिर्फ अपने अपने सियासी मकसद हासिल किए जाएंगे, जैसे विपक्षी गठबंधन इंडिया मणिपुर पर लंबी बहस के लिए बीजेपी पर दबाव बना लेगा, प्रधानमंत्री को सदन में बोलने के लिए दबाव बनाना चाहेगा, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर मोदी सरकार को मिलकर घेरेगा और नाम तय होने के बाद संसद में अपने गठबंधन इंडिया की ताकत दिखाएगा। जबकि बीजेपी के पास मौके ऐसे होंगे कि मणिपुर पर कांग्रेस राज के दौरान की हालत और हिंसा दिखाई जाएगी, बंगाल राजस्थान समेत विपक्षी शासन के राज्यों में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर घेरा जाएगा, विपक्षी गठबंधन की एकता को अवसरवादिता बताकर जनता के सामने लाना चाहेंगे और मोदी वर्सेस ऑल का नैरेटिव मजबूती से रखा जाएगा। फिर दस्तक देकर इसीलिए पूछना जरूरी है कि क्या आपको लगता है दिल्ली में अविश्वास प्रस्ताव की लड़ाई से मणिपुर में फैला अविश्वास भी दूर होगा?
आप ही बताइए, दस्तक दीजिए।